नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि EPS 95 हायर पेंशन के लिए जो लोग 1/9/2014 को मेंबर थे और उसके बाद रिटायर हुए हैं, उनके लिए EPFO ने अपना लिंक खोल दिया है। इस साइट का लिंक ये ऊपर दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं और इसका लाइव डेमो देखते हैं और कैसे तो अगर बनता आप है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले EPFO को गूगल के अंदर सर्च करेंगे। सर्च करने पर जो सबसे पहले ऊपर साइट आएगी epfindia.gov.in, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही EPFO की साइट खुल जाएगी और इसमें सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे और एम्प्लॉइज पर क्लिक करेंगे। जब एम्प्लॉइज पर क्लिक करेंगे तो नीचे जाकर मेंबर यूएन सर ओब्लिक ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो इस पेज में हम नीचे जाएंगे तो ये पेंशन ऑन हायर सैलरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन का लिंक है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन खुलेंगे। जो नीचे वाला ऑप्शन है वो 2014 के बाद के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें जो ये राइट साइड पर ऑप्शन है, ये 1 सितंबर 2014 के बाद का, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको अपना यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और आधार से लिंक मोबाइल और ये कैप्चा भरना है। कैप्चा अभी नहीं आ रहा है और इसके नीचे जाकर इस पर टिक करना है और ओटीपी ऑब्टेन करना है, पर ओटीपी में भी अभी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही साइट ठीक होगी तो आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अदर ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।